हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अर्चना की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज ये देखिए मेरे पास घर में पड़े ये मेरे प्लास्टिक के जो ग्लास फोम वाले जो ग्लास होते हैं, मैंने सोचा क्यों ना चलिए इसके साथ कुछ किया जाए। बहुत दिनों से घर में पड़े थे और वेस्ट हो रहे थे, तो यहाँ चलिए मैं एक स्टैंड बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे एज अ पेन स्टैंड या लिपस्टिक का स्टैंड जैसे या किसी भी स्टैंड के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं ये ग्लास ले रही हूँ और उसको ऑल पिन से स्टेपलर से अटैच कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से एक बीच में लगाया, फिर उसके ऊपर चारों मतलब साइड से लगा दी जैसे फ्लावर में बनाते हैं, सेम इस साइड से देखिए मैंने एक करके कुछ इस तरीके से ये हो गया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ कलर ले रही हूँ और कलर में मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा जो घर है वो वाइट कलर का है, तो उसके सब ब्लू कलर की चीज़ें बहुत प्यारी लगती है मुझे। ब्लू वाइट और या ब्लू या पर्पल वाइट और पर्पल, वाइट रेड, इस तरह के कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ ये ब्लू बना कलर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैं मतलब सारों पे कलर करते ही चली जाऊँगी। इस तरीके से मैं उसको कवर कर लूँगी कलर से और थोड़ा सा कुछ अंदर की साइड से भी इसको मैं कवर कर लूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा मैंने अंदर की साइड से कवर कर लिया है ताकि जब हम कुछ चीज़ रखें कोई बॉक्स खाली रह जाए तो वो दिखे ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ मैंने ऊन ली है और सिंपल देखिए चोटी गूंदनी सभी को आती होगी, तो मैंने उस ऊन की बस चोटी गूंदी है और कुछ नहीं किया है। मैंने 6 धागे लिए थे और उनको दो दो में डिवाइड करके मैंने ये चोटी गूंद ली है। फिर उसके बाद ये देखिए मैं इस तरीके से ऊपर के साइड पर कॉर्नर से मैं ग्लू लगा कर और जो हमने चोटी गूंदी थी इसको देखिए इस तरीके से राउंड शेप देते हुए मतलब उसको बस कवर करना है। जैसे वो शेप है उसी शेप में आपको कवर करना है और कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। ये प्रोसेस बहुत थोड़ा प्यार से इसको आराम से कीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली। तो ये देखिए हम इसको बहुत ही प्यार से हम इसको देखिए इस तरीके से कवर कर रहे हैं। ये देखिए बीच में जो हमारा ये थोड़ा गैप आएगा तो उसको आप हाथ से अंदर की तरफ को प्रेस कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हम ऊपर और नीचे दोनों साइड से हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा थोड़ा सा लुक बनकर रेडी हो जाएगा। और हमारे पे ये राउंड शेप के शीशे रखे थे मीडियम साइज़ के, तो हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बीच में एक एक ग्लास के बीच में सिर्फ एक एक ये शीशा लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ग्लू की हेल्प से, फेविकॉल वगैरह किसी की हेल्प से भी आप इस तरीके से देखिए शीशा लगाएंगे। और जब तक ये लग रहा है प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। फिर ये देखिए हमने हाफ वाले बीट्स लिए हैं जो कटे हुए होते हैं स्मॉल साइज़ के, तो हम जो शीशा है हम इसके बस चारों ओर हमें ये लगाना है। पहले ग्लू लगाइएगा और उसके बाद देखिए 1x1 करके इस तरीके से हमको ये अटैच करना है, तो एक फ्लावर जैसा ये बन जाएगा। हमें इसके चारों ओर शीशे के चारों ओर लगाने हैं। यही प्रोसीजर हमें सारे कप पे करना है, जो हमारी ये कप है सब पे हमें ये प्रोसीजर यूज़ करना है। देखिए और ये बड़ा प्यारा लगता है और ये बिल्कुल ये समझ लीजिए बिल्कुल 1 रुपये की भी इसमें लागत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें बेसिकली घर में पड़ी होती हैं चीज़ें। तो ये देखिए बन गया है कुछ इस तरीके से हमारा, अब ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। फिर हमारे पास ये हाफ वाले जो ये एक मोती आते हैं इनमें ग्लू पहले से ही ऑलरेडी लगी होती है। ये एक्चुअली 20 रुपीज़ का पैकेट है, मगर अलग अलग स्ट्रीट में शायद कम बढ़ती हो तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ ये 20 का पड़ा था। तो ये देखिए इस तरीके से जहाँ हमने वो चोटी लगाई थी गुदी हुई ठीक उसके नीचे हम एक लेयर इस तरीके से लगाएंगे और एक लेयर हम इसके नीचे वाले में लगाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारी क्लियर बन के, और देखिए हमारा कितना प्यारा बन के रेडी हो गया है। अब इसमें आप चाहें तो पेन रखें, चाहे तो आप इसमें अपनी लिपस्टिक रखें, चाहे तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ एक ग्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड कमेंट।